इस कविता में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी सुनाती है। कविता इस प्रकार से है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अर्थात बच्चा महात्मा बुद्ध का पुत्र राहुल है। महात्मा कपिल वस्तु के राजकुमार थे, उनका असली नाम सिद्धार्थ है। कविता में बेटा अपनी माँ को कहानी सुनाने की जिद कर रहा है, तब माँ कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है, जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। बच्चा बड़ी चतुराई से कहता है कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी तो हो, तुमने लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुना दो। वह कहता है कि कहानी में राजा है या रानी, मुझे एक कहानी सुना दो। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मन मानी, जहां सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ कहती है तुम तो बहुत जिद्दी हो और मेरे मानधन यानी मेरा गर्व हो। और वह कहानी सुनाने लगती है कि एक दिन सुबह तुम्हारे पिताजी किसी उपवन में घूम रहे थे। उपवन का दृश्य बहुत ही सुहावना था, चारों तरफ मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी और उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे, वरन वरन के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। उपवन में तरह तरह के रंगों के फूल खिले थे, ओस के कण फूलों पर चमक रहे थे, वहाँ पर हवा के हल्के झोंके आ रहे थे, वहाँ तालाब में स्वच्छ निर्मल पानी बह रहा था, गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खरशर से हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। वहां पर पूरे वातावरण में पक्षियों की चहचहाट आवाजें आ रही थी, तभी अचानक एक हंस घायल होकर नीचे आकर गिरा। वह दर्द से तड़प रहा था, उसे तीर लगा था। यहाँ पर कहानी में करुणता का भाव आ जाता है। चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। माँ बता रही है तुम्हारे पिताजी हैरान होकर उस हंस को गोद में उठा लिया, उस हंस को तो जैसे नया जन्म मिल गया। इतने में उस हंस पर तीर चलाने वाला शिकारी वहां आ गया और उसने कहा कि मैंने इस पर लक्ष्य साधा है, अर्थात निशाना लगाया है। यह कहानी कोमलता से कठिनता की ओर बढ़ रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब उस पक्षी को आहत करने वाला जो शिकारी था वहां आया और तुम्हारे पिताजी से उस घायल हंस को मांगने लगा। तुम्हारे पिताजी ने उसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वे तो पक्षी की रक्षा करना चाहते थे। परंतु शिकारी अपनी जिद पर अड़ गया, उससे
वाद विवाद करना उसने वाद विवाद करना चाहा। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात जब न्यायालय में, सुनी सबने जानी व्यापक हुई कहानी। अब जब वाद विवाद बहुत बढ़ गया, तब यह झगड़ा न्यायालय में राजा के सामने पहुंचा। न्यायालय ने में सभी ने इस विषय पर सुना। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी, माँ मेरी क्या बाणी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ अपने पुत्र से पूछती है कि राहुल अब तुम बताओ कि राजा अब किसके पक्ष में निर्णय देगा। जो बालक है तो निर्णय के बारे में बताते हुए अपनी असमर्थता बता रहा है कि माँ मैं तो कहानी सुन रहा था, मुझे क्या पता कि निर्णय किसके पक्ष में होगा। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तो माँ कहती है कि हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अंत में निर्णय तुम्हारे पिताजी के पक्ष में ही आएगा, उन्होंने इस हंस की जान बचाई है। अब आप देखिए कि किस प्रकार एक माँ। सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी साहित्य